हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर शुभम नागपुरे, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट कॉन्ट्रैक्टर रेट फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मींस कि एक कॉन्ट्रैक्टर कितना रेट ले सकता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि अगर आप अपना मकान बना रहे हैं और जो भी काम है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम हमेशा आती है कि मैं क्या रेट दूं उसको, क्योंकि रेट का तो हमें अंदाजा होता नहीं है या फिर पता नहीं होता। हम किसी ऐसे पर्सन से रेट का पता करते हैं जिसका ऑलरेडी मकान बन चुका है, या फिर हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं और पता करते हैं कि क्या रेट चल रहा है मार्केट में। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर होती है वो डिमांड करती है कि एक सिविल इंजीनियर में ये सब स्किल्स होने चाहिए। तो जैसे कि मैं बात करूँ, उसको एस्टिमेशन आना चाहिए, बार बेंडिंग शेड्यूल आना चाहिए, क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस आना चाहिए, बिलिंग आना चाहिए, और मैं जैसे कि सॉफ्टवेयर की बात करूँ, सॉफ्टवेयर में उसको ऑटोकैड आना चाहिए, रेविट आर्किटेक्चर, ई टैप, स्टेट फाउंडेशन, ये सब स्किल्स उसको आना चाहिए। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर जानती है कि एक जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके निकलता है तो वो इंजीनियर तो रहता है पर उसके पास वो सब स्किल्स नहीं होती है। तो अगर दोस्तों आपको वो सब स्किल्स अपने में अपग्रेड करने हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स। तो आप हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं 9111001234। दोस्तों, मैं नंबर फिर से बोल रहा हूँ, 9111001234। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे काउंसलर आपको अटेंड करेंगे। आप हमारे सिविल गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, तो इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था, एक जनरल बातें सभी जानते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन में रेट चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, या फिर कोई भी स्टेट की बात करूँ, कोई कोई स्टेट में कोई कोई जगह पे हमारे जो रेट्स होते हैं वो वेरी करते हैं, मतलब कि डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं या फिर मध्य प्रदेश में हैं या फिर कोई भी स्टेट में, तो वहाँ सभी जगह पे या फिर कोई भी स्टेट में रेट सेम हो, वहाँ पर 3-4 रेट भी हो सकते हैं। तो मैं आज कुछ रेट के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या रेट हो सकते हैं। एक बार आप अपने एरिया में कंफर्म कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके लोकेशन में क्या रेट है लगभग, लेकिन ये डाटा अप्रॉक्स है, तो मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया हूँ आप लोगों के लिए। अब डायरेक्ट बात करेंगे कि आपको किस रेट से काम देना चाहिए और क्या रेट दे सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कि जिससे कि जैसे हम जो भी वीडियोस डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर मकान दे रहे हैं बनाने के लिए तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन हो सकती है, पहला आप विद मटेरियल देंगे जिसमें मटेरियल जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का रहेगा, सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर का रहेगा, तो सिर्फ आपको पैसे देने हैं। और सेकंड जो होगा एक लेबर रेट पर होता है, और थर्ड भी निकल कर आता है कि हम खुद किसी भी एक ऐसे मेसन को या फिर मिस्त्री कह सकते हैं उनको रख लेते हैं और लेबर को हम ही पेमेंट करते हैं या फिर जो मिस्त्री होते हैं वो कर लेता है, तो टोटल पेमेंट हम ही करते हैं। तो ये सब कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ आपको दो टॉपिक में बात करूंगा कि आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर देते हैं जिसमें लेबर मटेरियल आपका रहेगा, लेबर और ये जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह रहेंगे उन सबका मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर का रहेगा, और एक जिसमें आपका मटेरियल से लेके कुछ भी नहीं रहेगा, सभी कॉन्ट्रैक्टर का रहेगा। अब देखिए, रेट जो होते हैं इसमें कुछ जगह पर होता है कि टाइल्स उसमें छोड़ दी जाती है रेट में, कुछ जगह में जो पैरापेट वॉल होती है उसको छोड़ दिया जाता है, किचन जो बनाते हैं उसका मॉड्यूलर छोड़ दिया जाता है, और एक्सटीरियर वर्क भी छोड़ दिया जाता है कुछ जगह पे, सिर्फ सिंपल एक्सटीरियर वर्क करते हैं, बाकी इंटीरियर का भी छोड़ दिया जाता है। अगर सिविल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये विलेज एरिया की बात करूं, जैसे गांव हो गया, ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में होता है लगभग 130 से लेकर 40 रुपए स्क्वायर फीट को लेकर 170 स्क्वायर फीट तक हो सकता है, अभी विदाउट मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं, यानी अभी मटेरियल अभी ओनर का ही है, जो मकान मालिक है अभी उसी का मटेरियल है।
अब इसे अगर थोड़ा तहसील प्लेस में जाए या फिर तालुका प्लेस में जाए तो यहाँ पर आपको 170 से 190 रुपए स्क्वायर फीट तक मिल सकता है और 200 भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूँ कि सिटी लेवल पर जाए या डिस्ट्रिक्ट है या नगर निगम या फिर महानगर पालिका जो भी है, तो वहां पर तो एक अभी मैं एक सिंपल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल अगर कोई स्पेशल बिल्डिंग या फिर आपका वर्क स्पेशल है तो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं है ये वीडियो। वो तो फिर कंडीशन देखकर या प्लानिंग देखकर डिसाइड किया जाता है। अगर आपका सिटी लेवल पर है तो वहां पर रेट हो सकते हैं आपके 210 से स्टार्ट हो सकता है, 270 तक जा सकते हैं आपके, 280 तक, 70 तक ये जा सकता है कि आपका वर्क कैसा है, कितना है, किस हिसाब से करना है, आपकी प्लानिंग कैसी है। तो दोस्तों अब ये जो हो जाती है हमारी विदाउट मटेरियल। अब हम बात करते हैं विथ मटेरियल। विथ मटेरियल में तीन ग्रेड होगी। पहला एग्रीमेंट होगा तो उसमें कौन सा ग्रेड का मटेरियल यूज करेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्टर कौन सी ग्रेड का मटेरियल यूज करेगा, तो ये बात आती है सबसे पहले। ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, तीन ग्रेड में वर्क होंगे। अगर मान लीजिए आपका थर्ड क्लास का वर्क है अगर आप दे रहे हैं तो जिसमें टोटल वर्क रहेंगे लेकिन सिविल वर्क ही रहेंगे, बाकी इंटीरियर और एक्सटीरियर इसमें छोड़ दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए अगर आपका सिविल वर्क है आपका, तो 1,000 से 1,200 रुपए तक आपके इसमें लगेगा थर्ड क्लास में। अगर हम बात करें इसके बाद की सेकेंड क्लास है तो आपको 1200 से लेकर आप 1400 रुपए मान सकते हैं इसको, यहाँ तक कि इसका रेट रहेगा, मींस की सेकेंड क्लास में इतना रेट हो सकता है। अब मैं बात करूँ फर्स्ट क्लास, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल तरीके से कुछ लोग करवाते हैं, तो उसके 1400 से लेके 1500 से लगभग 1400-1500 से स्टार्ट होते हैं और उसके वर्क जो आपके यानी कि रेट वो आपके 1800, 1900, 2000 भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है 2000 तक के जाने के, ये 1700 से 1800 तक जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को पहले ही बताया कि रेट आपके एरिया में या फिर आप जहां रहते हैं वहां पर अलग भी हो सकते हैं, तो एक बार वेरीफाई कर ले काम देने से पहले। अगर आपको कुछ और लगता है तो आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है हमको जरूर बताएं, जिससे हमें जानकारी हो आगे भी समझने के लिए। तो आप हमें रेट के बारे में जो भी है आपका सुझाव या फिर आप चाहते हैं कि किस तरह से होना चाहिए या फिर जो रेट होते हैं आपके एरिया में, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और इसी मोटिवेशन के साथ और भी ज्यादा वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी। थैंक यू दोस्तों।